बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राम जतन सिन्हा बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन, बिहार कांग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि राम जतन सिन्हा पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि जेडीयू से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला, और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेसजनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। इसके साथ ही कांग्रेस में वापसी पर राम जतन सिन्हा ने कहा है कि जब हम काम में व्यस्त रहते हैं और फिर घर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। सर्विस करने वाला, कोई बाहर रहने वाला जब अपने घर वापस लौटता है तो उसे खुशी मिलती है, ठीक वैसे ही खुशी आज मुझे मिल रही है। कौन खुश नहीं होगा, आप भी इधर काम में व्यस्त रहते हैं और जब घर जाते होंगे तो खुशी तो मिलती होगी। तो एक सर्विस करने वाला, कोई बाहर रहने वाला घर जब घर वापस लौटता है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी आज हमको भी है। घर को संवारने के लिए आप क्या करेंगे, कितना हमारी जो भी क्षमता है पूरी क्षमता से पार्टी संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे। भविष्य में यदि अलायंस होता है तो आप उसके पक्ष में रहेंगे या अपनी भी राय रखेंगे कि नहीं? उसमें जो पार्टी लाइन रहेगा उसके साथ जाएंगे। और बिहार में सर लगातार हम देख रहे हैं कभी पुल गिरता है, कभी हत्याएं हो रही हैं और डेली बेसिस पे हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है इस समय? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में बिहार का बागडोर है ही नहीं, शासन का वहाँ चंद अफसरों के हाथ में है और उन्हीं के चलते पुल ध्वस्त हो रहे सब हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो क्या होना चाहिए, क्या राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए तो उनके लिए उचित होगा, अच्छा रहेगा। तो नौकरी बन गए हैं बिल्कुल, क्या बन चुके हैं नौकरी बन गए हैं और क्या। वहीं अगर राम जतन सिन्हा की बात की जाए तो 2003 से 2005 तक उन्होंने बिहार में कांग्रेस की कमान संभाली थी। 2005 में पद से हटाए जाने के बाद सिन्हा ने कांग्रेस छोड़ दी थी। वहीं इसके बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ज्वाइन की थी, मगर बाद में नीतीश से भी उनका मोह भंग हो गया। लेकिन अब एक बार फिर उनकी कांग्रेस में वापसी के बाद कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। वहीं बिहार में अगले कुछ समय में चुनाव भी होने, ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार खुद को मजबूत करने की कवायद में लगा हुआ है। हालांकि अब इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस का ये दाव सत्तारूढ़ जेडीयू और एनडीए के खेमे में खलबली मचा सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।